So guys, this is Kamil and you're watching a production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप इनशॉट के अंदर मल्टीपल वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, एक ही स्क्रीन में उन्हें कैसे आप ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो अगर आपके पास इनशॉट वीडियो एडिटिंग ऐप नहीं है तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से हम इनशॉट ऐप को ओपन कर लेते। सो इनशॉट ऐप ओपन करने के बाद आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो एंड फोटो ऑल का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से कोई वीडियो ऐड कर सकते हो और आप यहाँ से कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक पिक्चर ऐड कर लूँगा, यानी कि एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा। तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक बैकग्राउंड देखने के लिए मिलेगा इनशॉट के अंदर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैनवास के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका एस्पेक्ट रेशियो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 16:9, उसके बाद इसको कर देंगे डन। एंड आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका टाइम लेना आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा कर लेंगे, सो आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद अभी यहाँ पर हमें अपना सभी वीडियो ऐड करना है, यानी कि मल्टीपल वीडियो क्लिप इसी स्क्रीन के ऊपर ही ऐड करना है। तो इसके लिए आपको PIP नाम का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि पिक्चर इन पिक्चर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से एक एक करके अपना सारा वीडियो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं अपना सारा वीडियो ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो को सिलेक्ट करते, वीडियो हमारा आ चुका है, इसे आप छोटा कर लेंगे या आप इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको आप यहाँ पर सेट करेंगे, तो ये सेट हो चुका है। उसके बाद आप अगेन क्लिक करेंगे ये जो PIP मिलता है इसके ऊपर, और यहाँ से अभी आप अपना सेकंड वीडियो ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं अपना सेकंड वीडियो ऐड कर लेता हूँ, तो सेकंड वीडियो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये सेकंड वीडियो मैंने ऐड कर लिया। इसको आप जूम कर लेना, इस तरीके से जूम करके आप इसे राइट साइड पर जो खाली जगह दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप इसे सेट करेंगे, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो इसे भी सेट कर लिया। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा वीडियो ऐड करना चाहते हो तो आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हो, और अगर आप कम वीडियो ऐड करना चाहते हो तो आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है PIP, अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहां से अपना जो वीडियो है थर्ड वीडियो उसको ऐड करेंगे। सो यहां से मैं ऐड कर लेता हूं अपना थर्ड वीडियो, ये रहा, सो ये मैंने ऐड कर लिया। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, सो इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते। उसके बाद आप अगेन PIP के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो फोर्थ वीडियो है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना जो चौथा वीडियो है उसको, सो यहाँ पर मैं देख ले तो हमारा चौथा वीडियो कहाँ पर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना फोर्थ वीडियो ऐड कर लिया, और उसके बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते, सो बड़ा करके हम इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेट हो चुका है, उसके बाद इसको कर देंगे डन। सो डन करने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हो हमारा चारों वीडियो एक ही स्क्रीन में और एक ही साथ प्ले हो रहा है। सो इसी तरीके से आप जो चारों वीडियो एक साथ में ऐड कर सकते हो, और आप इनका जो टाइम ड्यूरेशन उसे यहाँ पर इक्वल कर सकते हो सबका टाइम ड्यूरेशन। तो आप यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो इनके ऊपर क्लिक करके इस तरीके से, और बाद में डिलीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप जो अपना सभी वीडियो जो एक साथ में प्ले कर सकते हो और एक साथ में एंड कर सकते हो, ठीक है, इक्वल कर लेना सबका टाइम लें। सो ये आप देख सकते हो इक्वल हो चुका है, उसके बाद इसको कर देना है डन। सो अभी अगर आप इसमें म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो आप म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से अपना म्यूजिक ऐड कर सकते हो। सो ये मैंने अपना म्यूजिक ऐड कर लिया, म्यूजिक के एक्स्ट्रा पार्ट आप यहाँ पर स्प्लिट करके डिलीट कर लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर कर देंगे डन। सो डन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में आपको सभी वीडियो दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें अपना जो वीडियो इसको सेव करना है, तो आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से 4K या 1080p रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, तो 1080p सिलेक्ट कर लेते। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।